मटन मटन को देख के रेसिपी है। सो हेलो गाइस, आज मैं बना रही हूँ मटन। ये भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। संडे ना तो सोचा मटन बना लूं, तो मैंने मटन लाया 1 किलो और अभी बनाऊंगी मैं मटन। यहाँ पे प्याज को फ्राई करके ब्राउनिश कलर बना के साइड में रखा हुआ है, तो उसको मैं पेस्ट बनाऊंगी। और मेरा बहन फिलहाल अभी टमाटर और मिर्ची वगैरह काट रहा है, तो आज मटन आज घर पे स्पेशल संडे होगा तो बनाऊंगी मैं मटन। चलो आपको देखना है तो मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। चलो मटन मटन शिट मार यार, साले का खोपड़ी तोड़ दे, खोपड़ी तोड़ साले का। तो गाइस ये है ऑनियन, फ्राई हुआ ऑनियन है ये, ठीक है। तो अभी इसका मैं बनाऊंगी पेस्ट। इसको मैंने हल्का सा ऑयल में फ्राई किया है, ब्राउनिश कलर बनाया हूँ, तो ये अभी ठंडा हो गया। गरम गरम में आपको बिल्कुल मिक्सचर को यूज मत करना, तो वो खराब हो जाएगा मिक्सी आपका, तो इसलिए ठंड होने के बाद ही आप लोग यूज कीजिएगा। तो अभी इसको मैं पेस्ट बनाऊंगी। मैं खा रही चुरसी। तो अभी मैं मिक्सी को फिक्स कर रही हूँ, आप इसको स्टार्ट करूँगी। मैं मिक्सी को फिक्स कर दिया हूँ गाइस, मैं बीच में ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया हूँ, तो क्योंकि सुबह से मैं ड्यूटी पे थी, अभी जस्ट ड्यूटी करके आई हूँ, तो व्लॉग अभी शुरू कर दिया। कुकिंग वाला सोचा कि चलो आज कुक वाला वीडियो मैं अपलोड कर दूँ, तो मैं कैसे कुक करती हूँ है ना, तो मैं कैसे मटन बनाती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोचते कि मुझे कुछ बनाने आता नहीं है, तो इसलिए मैं आज आप लोग को बना के दिखाऊँगी इस व्लॉग में मटन कैसे बनाती हूँ मैं। तो गाइस ये है ऑनियन का पेस्ट जो मैंने फ्राई किया हुआ था, तो उसको साइड करके अभी टमाटर और मिर्ची को भी मैं वैसे ही पेस्ट बनाऊंगी। मगर हाँ, इसमें क्या है, टमाटर और जो मिर्ची है उसको मैंने कुछ फ्राई नहीं किया है, नॉर्मली जो था उसको ही मैं किया हूँ। तो ये है पेस्ट, अभी मैं करती हूँ टमाटर और मिर्ची को। ये रहा हमारा टमाटर और हमारा मिर्ची, ये 2 टमाटर है और इसमें 5-6 मिर्ची डाला हूँ, तो बीच से ही काटा उसको नॉर्मली जैसे हम काटते हैं। तो अभी इसके बनाएंगे हम पेस्ट। देखो कितने अच्छी तरीके से पेस्ट बन गया है ना गाइस, देख रहे हो मेरे हाथ में भी लग गया, कितने अच्छे से पेस्ट बना है। तो अभी सेकेंड राउंड जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड में अगर सभी एक साथ कर देते तो पूरा फैल जाता, ठीक है। तो बारी बारी करना। ये हो गया हमारा सेकेंड राउंड। तो तैयार हो गया हमारा पेस्ट। A few inches later, तो अभी हम गैस फ्लेम को ऑन करते हैं। ये हमारा है प्रेशर कुकर, हम ये 3 लीटर का प्रेशर कुकर यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बड़ा भी है मगर मटन जो है 1 kg का है, तो इसलिए हम 3 kg का जो प्रेशर कुकर है वो यूज कर रहे हैं। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, हम थोड़ा सा ऑयल यूज करेंगे हल्का सा। तेल गरम हो गया है तो हम फ्लेम को फिलहाल के लिए थोड़ा कम कर देंगे। हम अभी इसमें डालेंगे जीरा, हम डाल रहे हैं जीरा,
हम डालेंगे कटा हुआ प्याज, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कुछ मसाला वगैरह रखा है। ठीक है, ये हो रहा है फ्राई। अभी हम डालेंगे इसमें मटन, जो मटन धो के रखा था वो मटन को हम डाल देंगे। आप लोग घर पे कैसे बनाते हो पता नहीं, मगर मेरे स्टाइल तो यही है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैं इतना बुरी कुछ भी नहीं हूँ, अच्छी बनाती हूँ। थोड़ा टाइम के लिए ढक्कन नहीं करेंगे, सो क्लोज नहीं करेंगे, मगर ऊपर से हल्का सा बंद करके छोड़ देंगे, पूरा लीड बंद मत करना। मैं तो रास्ते से जा रही थी, मैं तो बेलपोली खा रही थी। अभी इसको थोड़ा सा हिलाइए, स्पून से ज्यादा फेमिलर नहीं हूँ और ज्यादा इजी नहीं लग रहा है, तो इसको मैं चेंज कर दूंगी। मैं यूज करूंगी इसको, जो हम पूरी वगैरह में यूज करते हैं, मुझे इसकी पता लग रहा है। तो अभी हम डालेंगे इस पे सिनेमन, स्टार एनिस, इलायची, कॉल्स। तो ये सबको डाल के अभी हम इसको मिक्स करेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये सब डालते हैं ताकि अच्छे वाले टेस्ट आए, इसके लिए हम लोग ये मसाला यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन यू नो स्पाइसी वाला जो फूड है उसमें। तो अब हम ऐड करेंगे साल्ट, जो कि है नमक। नमक जो है आपके टेस्ट के अनुसार ही डालना, मैं जितना लेती हूँ मैं उतनी ही डाल रही हूँ, अगर कम हो गया तो बाद में डाल सकते हैं हम दोबारा, ये ना हो कि आप ज़्यादा डाल दें फिर बाद में घटाने के लिए मुश्किल हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब हम डालेंगे इसमें रेड चिली पाउडर, हम थोड़ा ही यूज़ करेंगे, उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे तीखा इतना पसंद नहीं है। आप लोग ज़्यादा डाल सकते हो अगर आपको तीखा पसंद है, साथ ही साथ जीरा पाउडर ताकि थोड़ा सा टेस्ट आए, गरम मसाला जो कि मेरा फेवरेट है, मैं हर सब्ज़ी में डालती हूँ, मीट मसाला। फ्रेंड्स, अगर आपको मसाला जो भी पसंद है या ये डालना ज़रूरी है जो मैं स्किप कर दिया होगा तो आप वो यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मैं ये सब कुछ डाल रही तो आपको भी डालना ज़रूरी है। अब ये पूरी मसाला को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये मसाला जो है ना मीट के बीचों बीच अच्छे से यू नो फैल जाए, तो इस कारण से अच्छे से इसको शेक कर देना। मैंने फिर से स्पून को चेंज कर दिया क्योंकि वो स्पून थोड़ा चौड़ा सा थोड़ा बड़ा लगा था मुझे, तो इसलिए मैंने ये चुटकू सा क्यूट सा मैंने स्पून लाया ये मटन के ऊपर यूज़ करने के लिए। अब हम डालेंगे जिंजर पेस्ट, जो हम लोग ने फ्राई करके पेस्ट बना के रखा था उसको अभी हम डालेंगे। अब ये पेस्ट को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं अभी मिक्स करके, स्मेल इसका स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है, मैं क्या ही बताऊं।
अब हम डालेंगे हरा मिर्च और टमाटर का पेस्ट जो हम लोग ने बना के रखा था, इसको भी डाल देंगे अभी और अच्छे तरीके से इसको भी मिक्स कर देंगे। अब मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट जो कि मैंने भूल गया, स्टार्टिंग पे ही इसको डालना था तो मैं भूल गया था, कोई बात नहीं मैं अभी डाल देती हूँ। अब इसको हम बंद करेंगे और सीटी मारने के लिए छोड़ देंगे। तो गाइस देख लो मेरा मटन अच्छी तरीके से पक गया है, अभी देख रहे हो कैसे उबाल रहा है। इसको मैंने करीबन 15 सीटी मारा है, 15 सीटी मारा है क्योंकि मुझे ज़्यादा पका हुआ पसंद है, कच्चा मुझे इतना पसंद नहीं है। बीच बीच में मतलब नॉर्मल सा जो पकता है ना वो मुझे पसंद है क्योंकि मेरे दांत के बीच में फंस जाता है नाइफ के बीच में फंस जाता है नाइफ जस्ट लिटरली हेट दैट। मेरा कैमरा जो है इधर उधर होगा, देखो गाइस मटन थोड़ा सुखा दूंगी मैं। A few inches later. ये वो मटन है वो केजी नो 650 होगा। हाँ तू कैसा है खाने में टेस्ट? मटन कैसा है? सर सर झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। जोर से बोलो। अम्मा कैसे बनाया? टेस्टी। अच्छा है? अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा से खाओ दाल के, ठीक है संडे का मजा लो। हाँ दबा के खाना, और दबा के और One eternity later. तो हो गया है मेरा खाना फाइनली, तो मैं अब जाऊंगी सोने के लिए क्योंकि मैं रात को भी बीच बीच में बहुत बार उठ चुकी हूँ और इसलिए मैं सोने जाऊंगी। ड्यूटी जाके आके फिर खाना भी बनाई हूँ तो साथ ही साथ मेरा शरीर और मेरा माइंड को मुझे रिलैक्स करना है, तो इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। तो मैं आज का व्लॉग यही अंत करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ करके लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंटिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।